इंडिया बहुत सारे धर्मों का देश है, जहां हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहां पे बहुत सुंदर मंदिर, मस्जिद और चर्च हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। इंडिया के सबसे पुराने चर्च में से एक चेन्नई में है, सेंट थॉमस चर्च, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये चर्च बहुत ही खास है, इसकी हर एक ईंट में इतिहास की कहानियां छुपी हैं। ये इंडिया के लंबे और शानदार इतिहास का प्रतीक है, जो सदियों से यहाँ की धार्मिक विविधता को संजोए हुए है। इस चर्च का नाम सेंट थॉमस के नाम पर रखा गया है, जो एक महान संत थे। वो जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। सेंट थॉमस बहुत सदियों पहले इंडिया आए थे और यहाँ की धरती पर अपने कदम रखे थे। वो अपने साथ ईसाई धर्म का संदेश लाए थे और यहाँ के लोगों को प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया। सेंट थॉमस इंडिया में 52 ईस्वी में आए थे। वो एक लंबी समुद्री यात्रा के बाद यहाँ पहुंचे थे, जो उस समय के लिए एक अद्भुत साहसिक कार्य था। वो मालाबार तट पर उतरे थे। ये तट उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहां विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता था। उन्होंने पूरे दक्षिण भारत की यात्रा करी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जीसस की शिक्षाओं को बांटा। उनके उपदेशों ने कई लोगों को प्रभावित किया और उन्हें ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया। सेंट थॉमस ने कई चर्च बनवाए। ये चर्च आज भी उनकी विरासत के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। वो इस क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। उनके प्रयासों ने दक्षिण भारत में ईसाई धर्म की नींव रखी। उन्होंने जो चर्च स्थापित किए, उनमें से एक चेन्नई में था। यह चर्च उस समय के समाज में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया। ये मायलापुर में बनाया गया था। मायलापुर उस समय एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। इस चर्च को आज सेंट थॉमस चर्च के नाम से जाना जाता है। यह चर्च सेंट थॉमस की याद में बनाया गया था और आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये इंडिया में ईसाई धर्म के शुरुआती आगमन का प्रमाण है। सेंट थॉमस की यात्रा और उनके कार्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप में ईसाई धर्म की नींव रखी। सेंट थॉमस चर्च एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसकी एक अनोखी वास्तुकला शैली है। ये चर्च भारतीय और यूरोपीय प्रभावों को मिलाता है। ये इंडिया में संस्कृतियों के मेल को दर्शाता है। चर्च के अंदर प्राचीन पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स बाइबल की कहानियां बताती हैं। यहां सुंदर नक्काशी और मूर्तियां भी हैं। एक प्रमुख विशेषता प्राचीन क्रॉस है। ऐसा कहा जाता है कि यह क्रॉस सेंट थॉमस के समय का है। भाग 4, आस्था और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ। सेंट थॉमस चर्च ईसाइयों के लिए एक पवित्र स्थान है। यह एक तीर्थ स्थल है। हर साल बहुत से लोग चर्च जाते हैं। वो प्रार्थना करने और उसके इतिहास के बारे में जानने आते हैं। चर्च एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल भी है। यह धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। सभी धर्मों के लोग चर्च जाते हैं। वे इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की प्रशंसा करते हैं। भाग 5, संरक्षण और विरासत। सेंट थॉमस चर्च भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। चर्च का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियां इसकी सराहना कर सकें। चर्च भारत के समृद्ध अतीत की याद दिलाता है। यह देश की विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और आस्था का मिलन होता है। भाग 6, निष्कर्ष। एक कालातीत प्रतीक। सेंट थॉमस चर्च सिर्फ एक इमारत से कहीं बढ़कर है। यह एक जीवंत इतिहास का हिस्सा है, जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। यह आस्था की स्थायी शक्ति
और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुंदरता का प्रमाण है। यहाँ हर कोने में एक कहानी छुपी है जो हमें अतीत से जोड़ती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं और भारत की विविध विरासत की सराहना कर सकते हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अनोखा अनुभव मिलता है। चर्च हमें याद दिलाता है कि भारत हमेशा नए विचारों के लिए खुला रहा है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है। यह हमें सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का महत्व सिखाता है। यहाँ हर धर्म के लोग एक साथ आकर शांति और सद्भावना का संदेश फैलाते हैं।